हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। लूसेंट जीके की जो हमने 1000 क्वेश्चन की सीरीज शुरू करी हुई थी, उसके अंदर यह हमारा पार्ट 7 है। पार्ट 6 तक ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं, तो जिसने वो वाले पार्ट नहीं देखे हैं, पहले जाके आप पार्ट नंबर 1 से शुरू करना और 600 क्वेश्चन वो पूरे कंप्लीट कर लेना। आज हम जो क्वेश्चन शुरू करेंगे वो हम कवर करेंगे 600 से लेके 700 तक, और ये जो हमारी सीरीज है उसका पार्ट नंबर 7 होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध जो है वो कौन सी नदी पे बनाया गया है? तो आंसर क्या आ जाएगा, सतलुज नदी पर। और ये जो भाखड़ा बांध है ये भारत के किस राज्य में है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। जितने क्वेश्चन मैं एडिशनल बताती हूँ वो आप ध्यान से सुना करो, और अगर आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो तो उसके अंदर लिख लिया करो। कोई भी भारत का राज्य आए या कोई भी देश आए, कोशिश किया करो उनकी राजधानी आपको जरूर याद हो। नेक्स्ट है हमारा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 अगस्त 1945 को गिराया था। तो 6 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, हिरोशिमा डे मनाते हैं। अब किसने गिराया था, अमेरिका ने। तो अमेरिका की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी। और करेंसी क्या है, डॉलर। और किस पे गिराया था, जापान पे। तो जापान की जो कैपिटल है वो क्या है, टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या हो जाएगी, येन, YEN, येन। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राष्ट्रपति को जब हम चुनते हैं तो उसमें वोट कौन कौन डाल सकता है? तो संसद और राज्य विधानसभा, यानी कि संसद के अंदर और राज्य की जो विधानसभा है, जितने भी भारत में राज्य हैं उनमें जहाँ जहाँ भी विधानसभा है उनमें जो चुने हुए सदस्य होते हैं, सिर्फ वही राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर वोट डाल सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि विधानसभा जो होती है उसमें राज्यपाल भी होता है। राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल को राष्ट्रपति चुनता है। अब अगर राष्ट्रपति राज्यपाल को चुनता है तो जब भी कभी राष्ट्रपति का चुनाव होगा, क्योंकि एक राष्ट्रपति दो बार भी खड़ा हो सकता है, तो राज्यपाल तो उसी को वोट देगा ना। तो इसलिए संविधान में ये मेंशन है कि संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो चुने हुए सदस्य होते हैं और जो विधानसभा होती है उसमें जो चुने हुए सदस्य होते हैं वही सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। यानी कि जिसको राष्ट्रपति चुनेगा या राष्ट्रपति नियुक्त करेगा वो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर वोट नहीं डाल सकता। जैसे आप सबको पता है लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य चुनता है, 2, और राज्यसभा में कितने चुनता है, 12। और हर राज्य की विधानसभा में एक एक राज्यपाल भी होता है, उसे भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर अपने वोट नहीं डाल सकते। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा, धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने करी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मार दी गई थी। और किसने मारी थी, नथुराम गोडसे ने मारी थी। और नथुराम गोडसे को उसके बाद फांसी की सजा दी गई थी। वो कहाँ दी गई थी, अम्बाला सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई थी, जो कि हरियाणा का एक जिला है अम्बाला, उसके अंदर एक सेंट्रल जेल है अम्बाला सेंट्रल जेल, वहां पर नथुराम गोडसे को फांसी की सजा दी गई थी क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। अब आपको याद रखना है महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है, राजघाट। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा अनाज सबसे अधिक खाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, चावल। थल सेना दिवस कब आता है, यानी आर्मी डे कब आता है, हर साल हम कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी को मनाते हैं हम। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के मंदिर जो है वो कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म। याद रखना ये दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर है, ये माउंट आबू के अंदर है। और राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध जो बनाया गया वो महान नदी पर बनाया गया है, इसको आप याद भी कर सकते हो। हीरा जो है वो किसे मिलेगा, जो महान होगा उसी को हीरा मिलेगा। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है और भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा के अंदर है। और उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है, एक है भितरकनिका नेशनल पार्क और एक है सिंपलीपाल नेशनल पार्क। दोनों नेशनल पार्क याद रखना, भितरकनिका नेशनल पार्क और सिंपली पाल नेशनल पार्क। और एक इंपॉर्टेंट डैम जो है वो भी याद रखना है आपको, हीराकुंड डैम। कौन सी नदी पर है, ये महानदी पर है। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाई थी।
शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये करनाल में है, और करनाल जो है वो हरियाणा का एक जिला है, आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन आता है हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? करनाल। करनाल जो है वो हरियाणा का पेरिस के रूप में जाना जाता है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? आप सबको पता है कि बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो गौतम बुद्ध ने करी थी, और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में हुई थी, जिसे आप सब आज बोध गया के नाम से जानते हो, जो बिहार में है। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया में हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था यूपी के सारनाथ में, और उस उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब आता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 अक्टूबर को आ जाएगा, 8 अक्टूबर को आता है। अभी हमने किया था पीछे थल सेना दिवस, तो आंसर हो जाएगा 15 जनवरी, और वायुसेना दिवस पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 अक्टूबर। और हमारे यहाँ पे कितनी सेना है? 3 प्रकार की, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। 1526, 1556 और 1761 के तीन ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो ये तीन युद्ध हैं, तो वो कहाँ पर हुए थे? पानीपत में। जो भी हरियाणा से हैं और हरियाणा जी के पढ़ते हैं, उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि हरियाणा के पानीपत में तीन युद्ध हुए थे। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। और पानीपत कहाँ पर है? पानीपत हरियाणा का एक जिला है। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? तो तेलंगाना को किससे अलग किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना दिवस पूछे कब आता है? तो तेलंगाना दिवस आता है 2 जून को, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, और इसलिए 2 जून को हम तेलंगाना दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की कैपिटल है हैदराबाद, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि 10 सालों तक दोनों की कैपिटल हैदराबाद रहेगी, और 2 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की जो नई कैपिटल है वो अमरावती हो जाएगी। तो वर्तमान में हैदराबाद है, और 2024 को कौन सी हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? अकबर जो है वो हमारा मुगल वंश से रिलेटेड है, और 4 वर्षों तक अकबर का पालन पोषण किसने किया था? तो बैरम खान ने किया था। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सितार। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। उन्हीं के जन्म दिवस वाले दिन यानी 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि 100 क्वेश्चन है उस सीरीज को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देना, मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज को है आप लोगों के साथ मैं बांट सकूं, क्योंकि ज्ञान जो है वो हमेशा बांटने से बढ़ता है। जो भी आप लोग मेरी ये वीडियो सुन रहे हो, अगर आप लोगों को अच्छा लगे कि आप लोगों को इससे बेनिफिट हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपने ग्रुप्स के अंदर इनको शेयर जरूर किया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। उत्तरी उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी ट्रॉफी जो है वो किस खेल से रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, एक हो जाएगा हमारा रणजी ट्रॉफी, एक हो जाएगा हमारा विजय हजारे ट्रॉफी, एक हो गया हमारा देवधर ट्रॉफी, झांसी की रानी ट्रॉफी। ये सारी की सारी जो ट्रॉफी है वो किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और रूस की करेंसी क्या है? रूबल। तो रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो वो थे ऋषभ देव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। उन्होंने अपना पहला उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में, जो बिहार में है। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जो यूपी में है, जो बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 24वें तीर्थकार थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? महानदी के किनारे, जिस पर हीराकुंड बांध भी बना हुआ है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं, सिर्फ 2 डिजिट होते हैं बाइनरी भाषा में, एक होता है 0 और एक होता है 1। लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क।
गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर में हुई थी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कुशीनगर कहाँ पर है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो सुनी होगी पहले वाली, तो उनमें भी मैंने इसका आंसर बताया था। अगर नहीं पता तो आप लोग सर्च करके देखिए और नीचे कमेंट के अंदर लिखिए। गोवा पुर्तगाल शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो गोवा पहले पुर्तगाल के अधीन होता था। गोवा पुर्तगाल से कब आज़ाद हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हुआ हो गया था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो वो भेजा था म्यांमार में, और म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1893 में। और वापस कब आए थे? तो 1915 में आए थे। और वो दिन कौन सा था? 9 जनवरी था। इसलिए 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? NRI डे के रूप में मनाया जाता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, हिंदी में बोलेंगे प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, अब जो ये हमने 637 नंबर क्वेश्चन किए हैं, कई बुक्स में आपको ये मिलेगा कि 1857 की क्रांति में जो मुगल बादशाह था, अंतिम मुगल बादशाह जिसको मार दिया गया था, वो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये बहादुर शाह जफर सेकंड है जो 1857 की क्रांति में मार दिए गए थे। कई बुक्स में लिखा गया है कि उनको कैद करके भेज दिया गया था, तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देख लेना, ये डाउट के अंदर रहता ही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कैद करके उनको कहाँ भेजा गया था, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? वर्मा, जो किसका पुराना नाम था? म्यांमार का। अगर आपको आपसे क्वेश्चन आए 1857 की क्रांति में अंतिम मुगल बादशाह जो शहीद हो गए थे उनका नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो वो थी आलमारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सातवां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रूस। सबसे बड़ा देश है रूस। और भारत का स्थान कौन सा है? सातवां। जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। और भारत का स्थान उसमें कौन सा हो जाएगा? सेकंड। भारत जो है जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। और जनगणमन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, SSC रेलवे हर एग्जाम के अंदर ये जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है? पटना। पटना किसकी कैपिटल है? बिहार की कैपिटल है। और पटना गंगा नदी के किनारे है। और पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी? तो विलियम जोन्स ने करी थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? नेशनलाइजेशन कब किया गया था? नेशनलाइजेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सा होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है, यानी वो सरकारी चीज़ बन जाती है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा संपत्ति के मौलिक अधिकार को। इसको मौलिक अधिकार से निकाल के कानूनी अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया था। और ये संशोधन कौन सा हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था? ये 1978 में। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। एक तो 42वां संविधान संशोधन और एक 44वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार होते थे, बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल के कानूनी अधिकार में शामिल किया गया था। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो वो करक रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो किस नाम से जानी जाती है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन द्वीप पर है, जो अंडेमान निकोबार में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानी है? तो अब तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ ये 2019 के दिसंबर में। आप लोग जब भी ये वीडियो सुनो उस टाइम आप लोग करंट की थोड़ी नॉलेज रखना।
अब जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का राज्य नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो यहाँ पे हम इसको राज्य नहीं बोलेंगे। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियाँ जम्मू और श्रीनगर हैं, लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश होगा। दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे जम्मू कश्मीर से, एक जम्मू और कश्मीर और एक हो जाएगा हमारा लद्दाख। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अब ये राज्य नहीं है, ये आपको याद रखना है। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है टेनिस से संबंधित। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री पूछे तो चंद्रशेखर राव। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। नेक्स्ट है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा और करेंसी है यहाँ की डॉलर। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो आंसर हो जाएगा चीन। उसके बाद है, म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडा, याद रखना ने पीड़ा। और म्यांमार की जो करेंसी है वो है कयात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो आंसर हो जाएगा शोभ मंडल में। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि वायुमंडल की टोटल कितनी लेयर होती हैं और उन सबके नाम क्या है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाविसंक्रमण कहलाती है ये बौद्ध धर्म में। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, वैसे इसका आंसर होगा सिक्किम। जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, वो भी किस में है? सिक्किम में ही है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो वो थे कनिष्क के दरबार में। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, और कब हुआ था? 1761 में। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय के लिए होती है? 3 महीने के लिए। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर भी चेंज हो चुका है, अब आप लोग देख के बताना मुझे कि सबसे लंबा वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ठीक है, वर्तमान में आप लोग मुझे कमेंट करके बताना सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, विश्व व्यापार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा जनेवा, स्विट्जरलैंड में। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था? तो आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मसाले होते हैं? तो इसका आंसर भी होगा केरल। उसके बाद है, जेद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा पारसी। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में। कब कहाँ पर? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा H2O। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आंसर हो जाएगा हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 BC में किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर, ये गलत दे रखा है यहाँ पे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति
शासन लगाने की सिफारिश करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 356। 356 में वर्णन है राष्ट्रपति शासन का। उसके बाद है हमारे पास प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, तो रदरफोर्ड ने करी थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा तारापुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1969 में शुरू गया। पहले नोबेल पुरस्कार जो थे वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, 1968 के बाद कितने क्षेत्रों में दिया जाना शुरू किया जाने लगा, 6 क्षेत्रों में, जिसमें कि अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी, तो 483 BC में हुई थी, राजगृह में और अजात शत्रु के शासनकाल में। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना एक घास का मैदान है, ये कहाँ पर है, अफ्रीका में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।